नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल निशांत एक्वेरियम फिश में। दोस्तों आज मैं आपको ना इनकी ग्रोथ के साथ साथ कुछ चीज़ें आपको ऐसी बताऊंगा जिससे आप इजीली गप्पी ब्रीड करवा सकते हो और इजीली कैसे इनकी केयर करनी है, कैसे इनको बड़ा करना है, वो सारी चीज़ें भी आपको साथ साथ बताऊँगा। दोस्तों सबसे पहले हम आते गप्पी फिश के ऊपर कि आप किस तरीके की गप्पी रखना चाहते हो, किस तरीके की ब्रीड बनाना चाहते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मेरे पास आप देख रहे हो, मेरे को रेड टेल बहुत अच्छी लगती है तो मैंने सारी रेड टेल रखी हुई है इसके अंदर। इसके अंदर सिल्वर रेड टेल है, गोल्डन रेड टेल है, येलो रेड टेल है। इसके अंदर रेड टेल की आपको हर एक वैरायटी दिखेगी और इनको मैंने सेपरेट नहीं करा क्योंकि रेड टेल जो है मेरे को ज़्यादा अच्छी लगती है। इसके अंदर कोई कोई जो है कोई भी फिश है तो आपको देखने को मिल जाएगी इसके अंदर। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप ब्रीडिंग स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। ब्रीडिंग आप स्टार्ट ऐसे कर सकते हैं जैसे कि मैं आपको इसमें वीडियो में एक वीडियो ऐड करूँगा। फिश का साइज़, जो फीमेल फिश आप लेके आ रहे हैं, सबसे पहले तो आप अपनी फीमेल का जो साइज़ है वो मैक्सिमम करने की कोशिश करें क्योंकि फीमेल का साइज़ बहुत ज़्यादा मैटर करता है ब्रीडिंग के अंदर। अगर फीमेल का साइज़ अच्छा नहीं है आपकी तो ब्रीडिंग में दिक्कत हो सकती है, आपके बच्चे जो है वो इतने कमज़ोर होंगे कि वो सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है उनको सर्वाइव करवाना। जैसे आपको मैं दिखाता हूँ, ये फीमेल है, इसका साइज़ देखिए, ये पूरा ब्रीडिंग साइज़ है, ठीक है। एक ये फीमेल देखिए, ये पूरी फुल साइज़ की फीमेल है और काफ़ी ब्यूटीफुल फीमेल है। अभी ये मेल देखिए सर, ये मेल्स भी काफ़ी ब्यूटीफुल है और फुल साइज़ के मेल्स हैं। इसके अंदर जो है एक चीज़ ये भी देखी जाती है कि ब्रीडिंग के लिए आप सिलेक्टिव मेल्स और सिलेक्टिव फीमेल्स जो है डिसाइड करें कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या। जैसे मैंने जो है डम्बो ईयर इसके अंदर मेल्स लिए हैं, जैसे आप देख ही रहे होंगे कि मेल्स मोस्टली आपको जितने भी मेल्स हैं सारे डम्बो ईयर हैं इसके। मेल्स के बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट जो है ब्रीडिंग के अंदर वो है हमारा वाटर। अगर आपका वाटर साइकिल अच्छा है, वाटर आपने अच्छा बना रखा है ब्रीडिंग के लिए, आप जैसे देख ही पा रहे होंगे पूरा वाटर मैंने जो है ग्रीन बनाया हुआ है इसका, तो ये इस तरीके से मैंने बनाया हुआ है कि पूरा ब्रीडिंग के हिसाब से ही सारी चीज़ें बनाई हुई है। इसमें कोई मेडिसिन वगैरह मेरे को डालने की एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है और मेडिसिंस मैं जो है जान के डालता भी नहीं हूँ इसके अंदर, उसका भी एक रीज़न है। अगर मैं मेडिसिंस इसके अंदर डालूँगा तो जो बच्चों की ग्रोथ है वो तो ठीक होगी लेकिन जो उनकी कैपेसिटी है ना जीने की, वाटर चेंजेस के बाद जो है ना थोड़ी सी उनको दिक्कत आना चालू हो जाती है, कहीं ना कहीं वो दवाइयों के ऊपर पले हुए बच्चे हो जाते हैं। तो मैं फिशेस के बच्चे कुछ इस तरीके से करवाता हूँ ताकि वो मजबूत भी रहें, चले भी मेरे पास अच्छे और उनको मैं कैसी भी एनवायरनमेंट में रख सकूं। अब जैसे एकदम से बरसात का मौसम हो जाता है या एकदम से जैसे आप देख ही रहे हो दिल्ली का मौसम तो कुछ पता ही नहीं, एकदम ठंडा हो जाता है, एकदम गर्म हो जाता है, तो आप देख ही रहो मैंने पूरे टैंक में हीटर वगैरह कहीं कुछ नहीं लगाया। उसका भी यही रीज़न है कि मैंने पानी की क्वालिटी ऐसी मेंटेन करी हुई है और अपनी फिशेस को जो आदत है वो ऐसी लगा रखी है कि वो चल सकती है हर एनवायरनमेंट। एक सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे कि आप ब्रीडिंग जब आप करवाते हैं तो मेरी पिछली वीडियोज में देखा होगा मैंने जो फीमेल्स है वो जब मेरे को लगता था कि वो प्रेग्नेंट है और उनकी डिलीवरी होने वाली है तो या तो मैं उनको अलग करने की कोशिश करता था या उनके बच्चे कलेक्ट करने की कोशिश करता था क्योंकि मैं जॉब प्रोफेशन में हूँ तो मेरे को थोड़ी सी दिक्कत हो जाती थी इस चीज़ की समय की
कई बार ऐसा होता था कि टैंक के अंदर ही जो है डिलीवरी हो जाती थी। मैंने पहले टब में ब्रीडिंग करवाई थी, तो टब में ही ब्रीडिंग हो जाती थी, तो मेरे को बच्चे कलेक्ट करने पड़ते थे। ये वही सारे बच्चे हैं जो मैंने कलेक्ट करे हुए हैं, आप देख ही रहे हैं। इस टाइम मेरे पास 100 से ज़्यादा बच्चे हैं, और इनको फूड क्या देना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट जरा, ये देखिए, ये टोया का ड्राइड ब्लड वॉर्म है। इसको आप साबुत नहीं डाल सकते, लेकिन इसको आप क्रश करोगे तो कुछ इस तरीके का ये बन जाएगा। जब क्रश करोगे आप, इस तरीके का ये बन जाएगा। इसको आप क्रश करके खिला सकते हो बच्चों को। काफ़ी अच्छा फूड है, हेल्दी फूड है। आप देख ही रहे हो, फिशेज सारी जमा हो गई हैं। इनको लग रहा है मैं इनको खाना देने वाला हूँ। खैर, खाना तो इनको दूंगा ही मैं, भी वो भी आपको दिखाऊंगा। फिशेज जो हैं वो आपकी, आप किस तरीके से रखते हो ये भी डिपेंड करता है। मेरी फिशेज जो हैं सारी एक्टिव हैं, सारी एकदम ओके हैं। जब भी मैं इनके पास आता हूँ तो मेरे पास आ जाती हैं ये। तो मैंने इस तरीके से इनको बनाया हुआ है। अगर मैं हाथ थोड़ा सा डालूंगा पानी में तो सारे हाथ पे चिपक जाएंगी। तो इस तरीके से मैंने बनाई हुई है। मैं इनको डराता नहीं हूँ, छेड़ता नहीं हूँ इनको। तो ये अपनी मस्ती में मस्त रहती हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी फिशेस को जब होती है, जब आप बार बार उनको छेड़ोगे, परेशान करोगे, तो इनको वो भी दिक्कत होती है। अगर ये फिशेस डर जाती हैं तो भी इनका मरने का चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जो हमारे नए लोग हैं, जो नई फिशेस लेके आ रहे हैं, जो रख रहे हैं, तो उसमें चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं इनके मरने के। सबसे पहले मैं बोलूँगा कि अगर आप बच्चे निकलवा रहे हो तो पहले एक या दो दिन उनको फूड बिल्कुल ना दें, कुछ भी फूड नहीं देना उनको। उनको एल्गी वाटर में रखें, ग्रीन वाटर में रखें, क्योंकि जब बच्चा एक या दो दिन का होता है उसको खुद नहीं पता होता कि मुझे क्या खाना है। एक या दो दिन के बाद बच्चे एक्टिव हो जाते हैं पूरे, ठीक है। उसके बाद आप जो पैलेट्स होते हैं, माइक्रो पैलेट्स, बड़े पैलेट्स होते हैं, वो आप दे सकते हैं। उससे होगा क्या, आपके बच्चों की ग्रोथ धीरे 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 होगी। और ज़्यादा ओवर फीडिंग भी ना करवाएं। अगर आपके पास 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चों में दो चुटकी सिर्फ जो है फीड डालें, तो उनके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी आपने सारे फिशेस वगैरह तो देख ही लिए, बहुत अच्छी फिशेस हैं। ओवर फीड करवाने से होता ये है कि सर आपकी ग्रोथ तो जो है बढ़ जाएगी फिशेस की, लेकिन जो डेथ रेट है ना वो भी आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा साथ साथ फिशेस के। अगर आप 50 फिश पाल रहे हो, अगर ओवर फीडिंग करा रहे हो, तो उसमें से 20 ही बचेंगी आपकी, और उन 20 का भी चांस कम होता है कि वो सर्वाइव करेंगी, क्योंकि वो जल्दी जल्दी फीड खाती हैं तो उनकी बॉडी इस हिसाब की हो जाती है कि वो किसी भी इन्वायरमेंट को झेल नहीं पाती हैं, वाटर चेंज को नहीं झेल पाती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि एक बारीक से बारीक चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। मैं कोशिश यही करता हूँ कि सारी चीज़ें मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि सारी चीज़ें बता दूँ। अगर आपको कोई चीज़ मेरे से पूछनी है या किसी चीज़ में आप चाहते हैं कि मैं आपकी हेल्प करूँ, तो मेरे को एक बार आप कमेंट करो। मैं आपके जितने भी इंक्वायरीज हैं तो आपको ज़रूर बताऊँगा वीडियो के माध्यम से। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपनी फिशेस का ख्याल रखें, खाना उनको अच्छी क्वालिटी का दें। नमस्कार।